हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो टर्बो मशीनरी का यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल पंप। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे हेड्स एंड एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्टैटिक हेड। ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल का दो टाइप का हेड हम यहाँ पढ़ेंगे, एक होगा हमारा स्टैटिक हेड और दूसरा होगा हमारा मैनोमेट्रिक हेड। ठीक है, तो स्टैटिक हेड को हम HS से डिनोट करते हैं। द स्टैटिक हेड इज द सम ऑफ सक्शन हेड एंड द डिलीवरी हेड HD। देयरफॉर स्टैटिक हेड HS स्टैटिक हेड इज इक्वल टू HS प्लस HD, वेयर HS इज द सक्शन हेड एंड HD इज द डिलीवरी हेड। ओके, तो ये था हमारा सक्शन हेड, तो सॉरी स्टैटिक हेड। अब स्टैटिक हेड में आता है दो, फर्स्ट आता है हमारा सक्शन हेड और डिलीवरी हेड। ठीक है, सक्शन हेड और डिलीवरी हेड इससे पहले मैंने आपको बताया था, तो आपको याद होगा इन दिस फिगर। ठीक है, फ्रॉम दिस फिगर देखो, ये हमारा क्या है, सम्प टैंक। ठीक है, सम्प टैंक मीन्स ये रिजर्वायर है, हमारे वाटर का रिजर्वायर है। इस वाटर के सरफेस से हमारे सेंट्रीफ्यूगल के सेंटर तक का डिस्टेंस, दैट इज सक्शन हेड। ठीक है, और इस सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो हमारा सेंटर है, वहां से डिलीवरी हेड, डिलीवरी पाइप जो है, उसके हेड तक का डिस्टेंस, दैट इज डिलीवरी हेड। ओके, समझ में आ गया। नाउ अब देखिए सेक्शन हेड क्या होता है। इट इज द वर्टिकल हाइट बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड, इज सेक्शन हेड, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अगला हमारा डिलीवरी हेड। इट इज अ वर्टिकल हाइट बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द पंप एंड द वाटर सरफेस इन द ओवर ओवरहेड टैंक टू विच वाटर इज डिलीवर्ड, जहाँ पे वाटर हम डिलीवर कर रहे हैं वहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज माई डिलीवरी हेड। ओके, अगला हमारा मैनोमेट्रिक हेड। मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द हेड अगेंस्ट विच अ सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज टू वर्क, मतलब कौन सा सेंट्रीफ्यूगल आप कौन से हेड के लिए यूज कर रहे हैं, वो हमारा मैनोमेट्रिक हेड होता है। ठीक है, नाउ मैनोमेट्रिक हेड हमारा तीन टाइप का फॉर्मूला बनता है। फर्स्ट हम देखेंगे HM, दैट इज मैनोमेट्रिक हेड इज इक्वल टू हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर माइनस हेड लॉस इन द पंप HL। तो हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर, दिस इज पावर ऑफ द इम्पेलर इज VW2U2 अपॉन G माइनस हेड लॉस, दैट इज HL इन जूल पर के जी। तो पहला तो हमारा ये हो गया। दूसरा जो आएगा दैट इज HM, मैनोमेट्रिक हेड HM इज इक्वल टू टोटल हेड एट आउटलेट ऑफ द पंप माइनस टोटल हेड एट द इनलेट ऑफ द पंप। ठीक है, तो टोटल हेड एट द आउटलेट ऑफ पंप PO अपॉन रो जी प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन रो 2G प्लस जेड नॉट, तो O फॉर आउटलेट एंड I फॉर इनलेट, माइनस PI अपॉन टोटल हेड एट इनलेट ऑफ द पंप इनलेट टाइम पे PI अपॉन रो जी प्लस VI स्क्वायर अपॉन 2G प्लस ZI। ये हमारा यूलर्स इक्वेशन है टर्बाइंस के लिए, तो हम ज्यादातर यही यूज करते हैं। देखो, वेयर पी नॉट अपॉन रो जी इज द प्रेशर हेड एट द आउटलेट ऑफ पंप, सही है, देयर फॉर हम HD से लिख रहे हैं। ठीक है, HD इसलिए, D यहाँ से फिक्स हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि D फॉर यहाँ पे हो जाएगा डिलीवरी पाइप। तो आउटलेट मीन्स इनलेट क्या है अपना सक्शन पाइप, और आउटलेट क्या है डिलीवरी पाइप। देयर फॉर पी नॉट अपॉन रो जी इज द प्रेशर हेड एट आउटलेट ऑफ द पंप, दिस मीन्स HD। ओके, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2G इज द वेलोसिटी हेड आउटलेट ऑफ द पंप एंड वेलोसिटी हेड इन डिलीवरी पाइप इज, ये आउटलेट है तो इसको हम VD स्क्वायर अपॉन 2G ये भी तो लिख सकते हैं क्योंकि डिलीवरी पाइप ही तो हमारा आउटलेट है। ठीक है, और ZD क्या है, ZO इज इक्वल टू ZD। ZD means vertical height of the outlet of the pump from the datum. Datum से vertical height is by ZD. अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रेशर हेड, डिफरेंस इन प्रेशर हेड निकालो, तो डिफरेंस इन प्रेशर हेड का मतलब होता है पी नॉट माइनस पी आई अपॉन रो जी। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन में से पी नॉट माइनस पी आई अपॉन रो जी एक तरफ लिखना है, बाकी सारे टर्म को आप उधर ट्रांसफर कर दो और सॉल्व करो, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका प्रेशर हेड, डिफरेंस इन प्रेशर हेड निकल आएगा। ठीक है, नाउ अगला हमारा, हियर द सफिक्स आई और एस रिप्रेजेंट द इनलेट कंडीशन, आई फॉर इनलेट और एस फॉर सक्शन पाइप, सक्शन पाइप हमारा इनलेट ही है, एंड ओ और डी, ओ फॉर आउटलेट और डी फॉर क्या हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, रिप्रेजेंट एट द आउटलेट कंडीशन। देयर फॉर पी आई अपॉन रो जी इनलेट, इनलेट के लिए HS लिख सकते हैं, हेड ऑफ प्रेशर हेड एट द इनलेट। VI स्क्वायर अपॉन 2G को हम VS स्क्वायर अपॉन 2G भी लिख सकते हैं, इनलेट मीन सक्शन का, और ZI इज इक्वल टू ZS भी लिख सकते हैं, इनलेट मीन सक्शन का हेड।
ठीक है, लिख सकते हैं। नाउ हमारा थर्ड जो फॉर्मूला बनता है एच एम इज इक्वल टू एच एस प्लस एच डी प्लस एच एच एफ एस प्लस एच एफ डी प्लस वी डी स्क्वायर अपॉन टू जी, वेयर एच एस इज द प्रेशर हेड एट द इनलेट, एच डी इज द प्रेशर हेड एट द डिलीवरी, एच एफ इज द फ्रिक्शन हेड लॉस इन द सक्शन पाइप, एस फॉर सक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन हेड लॉस इन सक्शन पाइप एच एफ, एच एफ क्या है फ्रिक्शन हेड लॉस, और डी के फॉर फ्रिक्शन हेड लॉस इन डिलीवरी पाइप, वी डी स्क्वायर अपॉन टू जी क्या है वी डी हमारा वेलोसिटी ऑफ वाटर इन डिलीवरी पाइप, इन डिलीवरी पाइप में हमारा जो काइनेटिक एनर्जी इट इज वी डी स्क्वायर अपॉन टू जी। ओके, नाउ इफ द डायमीटर ऑफ सक्शन एंड डिलीवरी पाइप आर सेम, अगर डायमीटर सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप का दोनों का डायमीटर सेम हुआ देन जो वेलोसिटी हो जाएगा वो तो इक्वल हो जाएगा, एंड इफ द प्रेशर गेज आर एट द सेम लेवल देन जेड इज इक्वल टू ऑल्सो जेड डी, देन द इक्वेशन रिड्यूस टू, जो हमारा ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो टू इक्वेशन है ये रिड्यूस होकर बन जाएगा हमारा एच एम इज इक्वल टू पी डी रोजी माइनस पी एस रोजी इज इक्वल टू एच डी माइनस एच एस। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल टाइम में काम आएगा, ठीक है। नाउ अब हम एफिशिएंसीज के बारे में बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल के पंप के एफिशिएंसी के बारे में। तो चार टाइप का, पांच टाइप का एफिशिएंसी होता है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ये सब। तो सबसे पहले हम लोग मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी देखते हैं। तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी को हम लोग ईटा मैनो से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये, इट इज़ द रेशियो ऑफ द मैनोमेट्रिक हेड टू द हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर टू द फ्लूइड। ओके, क्या होता है मीन्स मैनोमेट्रिक हेड, दैट इज मैनोमेट्रिक हेड दैट इज एच एम, ठीक है। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, रेशियो ऑफ मैनोमेट्रिक हेड दैट इज एच एम टू द हेड इंपार्टेड बाय द इंपेलर, हेड इंपार्टेड ऑफ द इंपेलर मींस पावर ऑफ द इंपेलर दैट इज वी वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन जी, देयरफॉर जी ऊपर गया तो एच एम जी अपॉन वी डब्ल्यू टू यू टू, एच एम जी अपॉन वी डब्ल्यू टू यू टू, ये हमारा हो गया मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, अब इसको मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी और दो तीन तरीके से निकालते हैं, जो कि ये है, इट इज ऑल्सो गिवन बाई ईटा मैनो इज द एक्चुअल पावर डिलीवर्ड बाई द पंप अपॉन पावर इंपार्टेड बाई इंपेलर, कितना एक्चुअल पावर कितना हमारे पंप को मिल रहा है अपॉन पावर इंपार्टेड बाई द गवर्नर। ओके, दैट मीन्स वाटर पंप, वाटर वाटर पावर अपॉन पावर ऑफ द इंपेलर। तो वाटर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी क्यू एच एम, अब देखो एच हो लेते थे, यहाँ पे हमारा मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी निकालना है तो हम लोग हेड मैनोमेट्रिक हेड ले रहे हैं, ठीक है, अपॉन रो जी क्यू वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन जी, ठीक है। Now, ईटा मैनो तो एच एम इज फ्रॉम दिस, इससे ये कटा तो एच एम अपॉन वी डब्ल्यू टू यू टू, ये फॉर्मूला बन गया था। और एक और फॉर्मूला बनता है हमारा मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी निकालने का, दैट इज मैनोमेट्रिक हेड अपॉन मैनोमेट्रिक हेड प्लस हेड लॉस, ठीक है। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। नाउ अगला हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी ईटा एम से डिनोट करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ पावर एक्चुअली डिलीवर्ड बाय द इंपेलर टू द पावर सप्लाइड एट शाफ्ट, मींस एक्चुअल पावर अपॉन टोटल पावर, यही होता है हमारा एक्चुअल। आप ही बताओ एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पावर अपॉन आपका टोटल पावर, दैट इज माय एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई टू द रोटर, आपने जो मैकेनिकल एनर्जी रोटर को सप्लाई कर रहे हैं अपॉन मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई टू द शाफ्ट, आपको जो पावर मिल रहा है, ठीक है। Therefore, ईटा एम इज द इम्पेलर पावर अपॉन शाफ्ट पावर, ठीक है। तो इम्पेलर पावर हमारा वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन जी, और शाफ्ट पावर दैट इज वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन जी प्लस मैकेनिकल लॉसेस, क्योंकि शाफ्ट पावर में कुछ लॉसेस भी हैं, तो हमारा इम्पेलर पावर और उसमें कुछ लॉसेस को हमने ऐड कर दिया। Therefore, हमारा जो मैकेनिकल एफिशिएंसी बनेगा रो जी क्यू पावर ऑफ द इम्पेलर, रो जी क्यू वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन जी अपॉन, हमने इस पूरे को बस लिख दिया कि शाफ्ट पावर। तो ये हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी। और पावर एट द इंपेलर, पावर एट द इंपेलर का मतलब होता है पावर एक्चुअली डिलीवर्ड बाय द इंपेलर, और दैट इज द वर्क डन बाय द इंपेलर पर सेकेंड, इंपेलर कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है पर सेकेंड में, दैट इज माय द पावर एट द इंपेलर। ओके, अगला है हमारा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को हम लोग ईटा एच से डिनोट करते हैं। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ईटा एच इज द यूजफुल हाइड्रोडायनामिक एनर्जी फ्लूइड, हाइड्रोडायनामिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड अपॉन मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई टू रोटर। तो हम लोग हाइड्रोलिक एफिशिएंसी टर्बाइंस में क्या पढ़े थे, हाइड्रोलिक मींस फ्लूइड आ रहा है और रोटर को रोटेट कर, रनर को रोटेट कर रहा है, तो हम लिखते थे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी रनर पावर अपॉन वाटर पावर। बट पंप के केस में क्या होता है, हमने रोटर को रोटेट किया तो वाटर को हम फेंक पा रहे हैं, देयरफॉर तो यह क्या हो जाएगा वाटर पावर अपॉन रनर पावर, दैट इज माय हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, उसका उल्टा। नाउ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ईटा वी, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लास्ट है हमारा एफिशिएंसी का, और इस टॉपिक इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, दैट इज द ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है,
इट इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट ऑफ द पंप टू द पावर इनपुट टू द पंप. मीन्स क्या है ये, किसका रेशियो है, कितना पावर हमको मिल रहा है अपॉन कितना पावर हम पंप को दे रहे हैं, उसका रेशियो को हम लोग बोलते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी. तो कितना पावर मिल रहा है हमें हमारे पंप को, डेट इज वाटर पावर, वाटर से, और कितना पावर हम, डेट इज वाटर पावर अपॉन सॉफ्ट पावर. ओवरऑल एफिशिएंसी इज द वाटर पावर अपॉन सॉफ्ट पावर आउटपुट. ठीक है, देयरफॉर ओवरऑल एफिशिएंसी WP, हमने IP और IP मतलब इंपेलर पावर से दोनों तरफ इनटू मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये बना. तो वाटर पावर अपॉन इंपेलर पावर होता है हमारा मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, जस्ट हमने भी देखा. और इंपेलर पावर अपॉन सॉफ्ट पावर होता है, क्या होता है हमारा, मैकेनिकल एफिशिएंसी. ठीक है, इंपेलर पावर अपॉन सॉफ्ट पावर मैकेनिकल एफिशिएंसी. देयरफॉर ओवरऑल एफिशिएंसी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इनटू आपका ये मैकेनिकल एफिशिएंसी. तो ओवरऑल एफिशिएंसी का हमारा एक ये फॉर्मूला है. ठीक है, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, यही सब जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है. और इससे इससे पहले इसके बाद में एक लेक्चर वर्क डन बाय द पंप, कितना वर्क डन करता है पंप से, तो वो एक लेक्चर रहेगा हमारा. ठीक है, तो इसी टॉपिक पे बस इतना ही, जितना मैं आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज जो आपको बताया, उसके एफिशिएंसी, उसका हेड, उसका वर्क डन, उसका पंप का पावर, इतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा. ठीक है, इतना ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. बाकी कुछ आपका जो टर्बाइन में कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे तो वो सब उसमें यूज़ होगा, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगल पंप में. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट.